नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आगळना वीडियो में आपणे चिड़ियाघर की शेर पाठ विषे समझूती मेळवी। हवे आपणे आ पाठनुं स्वाध्याय जोईशुं। तेमां आपणे पहेला पाठमां आवता समानार्थी शब्दोनी समझ मेळवीशुं। ध्येय समानार्थी शब्द लिखिए। शेर तो सफर यात्रा। मना निषेध रोक। खोल आवरण कवच। पैर पाव चरण। पेड़ वृक्ष तरु। बहुत तो ज्यादा अधिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चिड़ियाघर की शेर के लिए कौन कौन आए थे? तो एनो जवाब छे, चिड़ियाघर की शेर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। प्रश्न बे, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? तो जवाब, बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। प्रश्न त्रण, लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो लंगूर का मुंह काला होता है। प्रश्न चार, तालाब में क्या था? तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख थी। प्रश्न पाँच, गीता ने किसे पत्थर बताया? जवाब, गीता ने कछुओं को पत्थर बताया। प्रश्न छ, कछुए का रक्षक क्या है? तो कछुए का रक्षक उसका आवरण है। प्रश्न सात, विदेशी पक्षी का नाम क्या है? तो जवाब आवशे, विदेशी पक्षी का नाम काकातुआ है, तेने कातुआ पण कहेवाय छे। प्रश्न आठ, सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो तेनो जवाब छे, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। उदाहरण के अनुसार रेखांतिक शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपने उदाहरण आपवामां आव्युं छे, पेड़ ऊपर बंदर लटक रहा है। तो सामे जवाब छे कि पेड़ ऊपर बंदरिया लटक रही है। तो आपणे आ बीजा जे चार वाक्य आप्या छे ए पण ए रीते बनावाना छे। लिंग परिवर्तन आपणे करवानुं छे, जेम के तालाब में हाथी नहा रहा है तो तालाब में हथिनी नहा रही है। रेगिस्तान में ऊँट दौड़ रहा है तो रेगिस्तान में ऊँटनी दौड़ रही है। जंगल में मोरली नाच रही है तो सामे आपणे लिंग परिवर्तन में शुं थशे कि जंगल में मोर नाच रहा है। पिंजरे में शेर डहाड़ रहा है तो पिंजरे में शेरनी डहाड़ रही है। नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं एक चित्र आपवामां आव्युं छे, तेनुं आपे वर्णन करवानुं छे। जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उसमें एक पेड़ पर बंदर है। वहाँ बहता हुआ झरना भी है। उसके एक किनारे लंबी गर्दन वाला जिराफ और दूसरे किनारे हाथी खड़ा है। शेर पत्थर के नीचे छुपकर बैठा है। हिरन पानी पी रहे है। बतख पानी में तैर रही है। जंगल में हरी घास भी दिखाई दे रही है। हरी घास पर खरगोश बैठा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे है। वह जंगल का दृश्य बड़ा मनोहर है। चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह एक, खाली जगह जोर से गरजा। तो कौन जोर से गरजा? तो शेर।
खाली जगह बे, चिड़ियाघर में एक सिंह वाला खाली जगह था, तो एक सिंह वाला कौन था चिड़ियाघर में, तो गेंडा, तो खाली जगह में शू आवशे गेंडा। खाली जगह त्रण, तालाब में खाली जगह तेर रही थी, तो ऊपर अपने चित्र में शू जोवा मळे छे बतक, तो खाली जगह में जवाब आवशे बतक। चार, हरियल खाली जगह टे टे करता था, तो हरियल शू आवशे खाली जगह में तोता। चित्र पहचान कर आयत में से उसका हिंदी नाम ढूंढकर लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों सामे चित्र आप्या छे ते तमारे सामे थी एनु नाम शोधीने लखवानू छे। जो पहलू चित्र छे शेर, तो सामे लखेलू छे शेर, तो तमारे त्यां शेर लखवानू छे। पछी मूंगफली, केला, गेंडा, भालू, मछली, मगर, चिड़िया, चिड़ियानू बदले अहीं नाम शू आप्युं छे गोरैया, चकली ने शू कहेवाय हिंदी में गोरैया। पछी तोता, मोर, शुतुरमुर्ग और हाथी, तो तमारे तमारे जाते आ तमारी चोपड़ी में अने नोटबुक में लखवानू छे।